नमस्कार मित्रों, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स के इस YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस जेनेटिक्स टॉपिक्स के अंतिम पार्ट में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिजीज हैं, हीमोफीलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है और इनका क्या परिणाम होता है, तथा कैसे हम निर्धारित करते हैं कि अगर फादर हीमोफीलिया में ग्रसित है, मदर को नहीं है, तो बच्चे में क्या संभावनाएं होंगी। अगर हम बात करते हैं वंशानुगत रोगों की, जेनेटिक्स डिजीज की, तो जेनेटिक डिजीज के कई टाइप्स होते हैं। खास करके इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कुछ जीन जो हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहते हैं जो सेक्स से रिलेटेड जीन नहीं है, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरीके के हमारे अंदर जो है क्रोमोसोम्स हैं। जो 22 पेयर्स है वो ऑटोसोम्स का होता है, और एक पेयर XX या XY का वो सेक्स क्रोमोसोम का है। इन 22 पेयर्स ऑफ जीन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड इनहेरिटेंस होगा। तो जैसे कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, बर्ड अंधता या फिर हीमोफीलिया की बीमारी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। उसी तरह से डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, आपका थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे बीमारी जो है वो ऑटोसोमल से होते हैं। इनमें भी फिर टाइप होता है डोमिनेंट और रिसेसिव, लेकिन उस डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो वंशानुगत रोग जो है आपको, उसमें कुछ एग्जांपल है जैसे डाउन सिंड्रोम। अब ये जो डाउन सिंड्रोम होता है आपको, यह आपका क्रोमोसोम 21 नंबर क्रोमोसोम पर एक संख्या बढ़ जाती है। एक संख्या बढ़ जाती है कहने का मतलब कि ये 21 नंबर क्रोमोसोम पर, हम जानते हैं कि हर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेयर्ड होता है, तो दो के बदले तीन क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें विकास जो है बहुत स्लो होता है, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास काफी कमजोर होता है, और भी तरह की कई समस्याएं उनमें होती है। दूसरा जैसे एक इंपॉर्टेंट बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन के चलते, उत्परिवर्तन के चलते होता है, और इसके कारण जो है सो फेफड़ों में समस्या होती है, फेफड़ों में सांस लेने में कठिनाई आती है, पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है, और यह जो है सो इस जानलेवा भी साबित होता है अगर इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो बच्चों में। एक है हटिंगटन्स डिजीज, यह क्रोमोसोम नंबर 4 में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें समय के साथ दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन करने लगता है, दिमाग कमजोर होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। इसी प्रकार एक है डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको डचेन पेशी अब विकास भी कहते हैं, या क्रोमोसोम नंबर 21 में उत्परिवर्तन के चलते होता है। इसके चलते क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बच्चे का, उसकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, मांसपेशी ठीक से ग्रो नहीं करती है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, विकलांग हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी जो है सो 20-21 साल के एज तक जाते जाते डेथ भी हो जाती है। इसी प्रकार का एक बीमारी है आपको सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो आपका RBC का जो शेप है वो हंसिए के आकार का हो जाता है, सिकल सेल इसीलिए उसको कहते हैं, हंसिए के आकार में RBC का शेप हो जाता है। इसके चलते RBC डिस्ट्रॉय करता है ज्यादा मात्रा में, और बॉडी में RBC का डिस्ट्रक्शन के चलते हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है ठीक से, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आदमी को एनीमिया का भी प्रॉब्लम जो होता है वो भी इसमें होता है। इसी प्रकार का एक बीमारी है थैलेसीमिया, ये भी ब्लड से रिलेटेड ही प्रोटीन है, जिसमें कि ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन जो है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी में, उसकी कमी होती है। इसके चलते ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें सांस लेने में समस्या होती है, वे वैसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, थकने की जरूरत है। इसका जो है दो प्रकार होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे उत्परिवर्तन के कारण होता है, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में चेंजेस होने के कारण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं। इसके अलावा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जहां पे कि एक्स के साथ दूसरा जो है वाई या एक्स नहीं आ पाता है, एक्स के साथ एक्स जीरो हो जाता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स में या तो मेल है या फीमेल पता नहीं चलता है, तो ट्रांसजेंडर्स होने की संभावनाएं उसमें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो वंशानुगत रोग आपको ये ऑटोसोमल वाले हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि आपको सेक्स से रिलेटेड जो जेनेटिक डिजीज है उसमें आता है आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल फैमिली डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के रॉयल फैमिली में यह बीमारी जो है मिलती है। ये हीमोफीलिया डिजीज जो है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कई बार ये पूछता है कि मदर हीमोफीलिक है, फादर नहीं है, तो बच्चे को का क्या संभावना है हीमोफीलिया होने का, इस तरह के सवाल आती हैं। तो ये समझने का थोड़ा सा चीज है, हीमोफीलिया जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। किस पर होता है हीमोफीलिया का जीन, वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो मेल में
होता है क्रोमोसोम सेक्स वाला एक्स वाई, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। तो मेल में तो एक ही एक्स होता है, इसीलिए अगर इस पर हीमोफीलिया का जीन हो गया तो ये जो है सो हीमोफीलिया हो जाएगा। फीमेल में एक एक्स पर अगर होगा तो ये हीमोफीलिया नहीं होगी, लेकिन ये अगले जनरेशन को ट्रांसफर होगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वाहक यानी कैरियर, ठीक है। और दूसरा होता है अगर उसके दोनों जीन पर हीमोफीलिया वाला जीन हो, दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर, तब इसको हीमोफीलिया होगा, तब ये बीमार होगी। तो मेल में केवल एक पर ही, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, होने से हो जाएगा, लेकिन फीमेल में दोनों पर होने से होगा, लेकिन एक होगा तो कैरियर होगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल दिया, ये एक मेल है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, नॉर्मल है, फादर विदाउट हीमोफीलिया। अब मदर क्या है? कैरियर है, यानी एक एक्स पर है, दूसरे एक्स पर नहीं है, तो इसको हीमोफीलिया की बीमारी नहीं होगी, बस इसके अंदर एक जीन है लेकिन हीमोफीलिया का। तो जब हमने बताया था कि क्रोमोसोम जो होंगे वो टूटेंगे, मदर फादर का जब गैमेट्स बनेगा, तो इसका एक्स और वाई, और इसमें चूंकि एक हीमोफीलिया वाला जीन है और एक नॉर्मल जीन है, तो जब फादर का ये एक्स और ये हीमोफीलिया मदर का मिलेगा तो एक्स और एक्स एच, तो ये फीमेल बनेगी, लेकिन इसको बीमारी नहीं होगा क्योंकि इसके एक ही एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये कैरियर हो जाएगी। जब इसका वाई इस एक्स से मिलेगा तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्लियर है कि इसका एक ही एक्स है और वो हीमोफीलिया वाला जीन है, तो यहाँ पर इसको हीमोफीलिया की बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा फिर ये वाई इस एक्स से मिलेगा तो फिर नॉर्मल होगा, और ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो नॉर्मल होगा। यानी एक जो मेल है, मतलब बच्चों में, अब इसमें ऑप्शन किस तरह के हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन 25% चिल्ड्रेन जो है हीमोफीलिक होने का चांस होगा, चार में आप देख रहे हैं एक जगह। आउट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन 25% जो होगा वो कैरियर होगा, और 50% जो होगा नॉर्मल होगा। इसी में पूछ देगा कि बच्चों में कितना परसेंट होने का चांस है हीमोफीलिया, मेल में कितना परसेंट चांस है। तो मेल में दो मेल हुआ, उसमें एक हीमोफीलिक है एक नॉन हीमोफीलिक है, यानी अगर बात करें केवल मेल की तो 50% चांसेस है कि अगर लड़का हुआ तो हीमोफीलिक हो सकता है। इसी तरह का और भी इसमें एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल फिर देखें कि जो मदर है वो मान लीजिए हीमोफीलिक है एक्स एच एक्स एच, और जो फादर है वो क्या है नॉर्मल है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया यानी एक्स और वाई, आपको कहेगा कि मदर हीमोफीलिक है और फादर जो है वो नॉर्मल है, तो बच्चों की क्या संभावना है? तो हम देख रहे हैं कि मदर का चूंकि दोनों जीन हीमोफीलिक है तो वो इस तरह का कुछ बनेगा, फादर का एक दोनों ही नॉर्मल है। अब अगर इनका और इनका कॉम्बिनेशन बना तो क्या बनेगा? हीमोफीलिक और नॉर्मल, यानी ये हो जाएंगी कैरियर फीमेल। इनका और इनका कॉम्बिनेशन बना तो क्या हो जाएंगे? हीमोफीलिक बॉयज। इनका और इनका कॉम्बिनेशन बना तो फिर क्या हो जाएंगे? एक्स एच और एक्स, यानी कैरियर फीमेल। और इनका कॉम्बिनेशन बना तो हीमोफीलिक बॉय, यानी यहाँ बेचारा मेल जो है वो 100% हीमोफीलिक होना ही होना है, लेकिन जो फीमेल है वो कैरियर होगी, उसको हीमोफीलिया दिखेगा नहीं, लेकिन फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जिससे मैरिज करेगी वहां फिर जैसा संभावना होगा उस प्रकार से वो डिसाइड होगा। तो आप समझ गए इस प्रॉब्लम को, या इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार का एक बीमारी है आपका जेनेटिक बीमारी, वह है आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जो खास करके लाल है या ग्रीन है या आपका ब्लू है, ये कलर्स आपको क्लियर नहीं विजिबल होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस भी वही है जो हम हीमोफीलिया में देखे। यदि कलर ब्लाइंडनेस का जीन फीमेल के दोनों क्रोमोजोम पर होगा, एक्स क्रोमोजोम पे, तो ये कलर ब्लाइंड होगी। अगर फीमेल के एक क्रोमोजोम पे कलर ब्लाइंड का जीन होगा तो ये कैरियर होगी, और अगर मेल के एक ही चूंकि एक्स क्रोमोजोम है उस पर कलर ब्लाइंड का जीन होगा तो ये जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। यानी यहां भी वही बात है जो हीमोफीलिया वाली बात है। तो अगर जैसे कि मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल, सॉरी यहां पे है कलर ब्लाइंड मॉम, मेल फीमेल कलर ब्लाइंड है, मेल आपका नॉर्मल है, तो फिर ये क्या संभावनाएं आएंगी उसको दिखा रहा है। हम इसको फिर से समझते हैं, मान के चलिए कि आपका, अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जो मेल है वो आपका कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो क्या है? कैरियर है, ठीक है। तो मेल कलर ब्लाइंड है, यानी मेल एक्स एंड वाई ये कलर ब्लाइंड है, फीमेल कैरियर है, यानी एक जगह है दूसरी जगह नहीं। अब इसमें ये जब इससे कंबाइंड करेंगे तो 100% चांस है कि कलर ब्लाइंड होगा, ये जब इनसे कंबाइंड करेंगे तो कैरियर हो जाएगा, ये जब इससे कंबाइंड करेगा तो कलर ब्लाइंड होगा, ये जब इससे कंबाइंड करेगा तो नॉर्मल होगा। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये कलर ब्लाइंड हुआ और ये आपको कलर ब्लाइंड हुआ,
यानी 50% चाइल्ड जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। फीमेल जो होंगी, फीमेल चाइल्ड, उनका 50% क्या होगा? फीमेल चाइल्ड का 50% क्या होगा? कैरियर होगा और 50% कलर ब्लाइंड होगा। मेल चाइल्ड का भी 50% क्या होगा? 50% कलर ब्लाइंड होगा और 50% क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सवाल का लॉजिक देखना पड़ेगा कि आंसर में ऑब्जेक्टिव आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है। जिस प्रकार से आंसर होगा वैसा आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसी लॉजिक पे पूरा कॉन्सेप्ट इसका काम करता है। और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम आपको एक ही तरीके से बनाना है, उसमें कुछ भी अलग आपको नहीं सोचना है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने जेनेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियोज में हम लोग जो अभी तक टॉपिक देखे हैं, सेल बायोलॉजी, सेल डिविजन, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को लाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, या जिस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ताकि आपको उनको बनाने के बाद आपको समझ में आए कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में खास करके बायोलॉजी से आता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।